नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज़ न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। तीन दिवसीय सतरंगी फागुन महोत्सव को लेकर शहर में निकली निशान शोभा यात्रा, 701 श्रद्धालु निशान यात्रा में हुए शामिल। होली को लेकर मुफस्सिल थाना और पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। आपसी सौहार्द के साथ होली मनाने का लिया गया निर्णय। नगर निगम में विवाह भवन का टेंडर संपन्न। सर्वाधिक बोली लगाकर प्रदीप कुमार ने 3 साल के लिए पाया टेंडर। और कोरोना वायरस को लेकर स्कॉलर बीएड कॉलेज ने संगोष्ठी आयोजित। विभिन्न चिकित्सकों ने कोरोना से बचाव पर दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय सतरंगी फागुन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को श्रद्धालुओं द्वारा शहर में निशान शोभा यात्रा निकाली गई। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा बुधवार को 3 दिवसीय सतरंगी फागुन महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को कुटिया मंदिर से 701 श्रद्धालुओं द्वारा निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद श्याम मंदिर स्थित श्याम बाबा के चरणों में इसे अर्पित किया गया। आयोजकों ने बताया कि शुक्रवार को श्याम मंदिर में अखंड ज्योत, भजन, संकीर्तन एवं 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को भंडारा के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश कुमार लुनायत ने की। बैठक में शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। मुफस्सिल थाना गिरिडीह में होली के मद्देनजर शांति समिति की एक बैठक आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश कुमार लुनायत ने की। बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व में किसी भी तरह के हुड़दंग और अश्लील हरकत पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश कुमार लुनायत, डीएसपी विनोद रवानी, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, एसआई प्रकाश कुमार,
सहित कई अधिकारी मौजूद थे। हम लोग जो तो हर समय डॉक्टरों के साथ हैं और हम लोग तभी वार्ड बना, लेकिन अभी भी हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग भी लेता हूँ, जवान तो छोड़ दी। मेरे क्षेत्र में आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। हेलो आज इस मुफसिल थाना के प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रशिक्षु IPS साहब, BDO साहब, CO साहब और तमाम जो पंचायत के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि थे, उन सब के और अनुचन चाहने वाले शांति जनता के साथ में एक शांति समिति की मीटिंग आहूत की गई। सबों ने अपना अपना पक्ष रखा और बताया कि हम आगे आने वाले होली के त्यौहार को बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में मदद करेंगे और अमन चयन को खुल की भांति ही बरकरार रखेंगे। हम लोगों ने इन लोगों का आह्वान किया कि आप अपने यहाँ शराब ना चलने दें और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को देखते ही तुरंत उसको जो है समन करें या पुलिस को सूचित करें। आज हमारे मुफस्सिल थाना परिषद गिरिडीह में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम लोग होली का त्यौहार मिलजुल कर मनाएंगे और थैंक यू सारे जनता से अपील है कि इस त्यौहार को होली का त्यौहार शांति के ढंग से मनाएं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को हाथ नहीं करते हुए प्यार से मनाएं और सबके धर्मों को आदर करते हुए होली मनाना है। होली का त्यौहार एक दूसरे को भाईचारे का सबक सिखाता है और हम लोग इस त्यौहार में एक दूसरे को गले लगा के दूसरे को प्रकार देना सिखाते हैं। रंगों और अबीरों का त्यौहार है ये, दूसरे धर्म को हम लोग सम्मान के साथ इस पे अपना सहयोग देते हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं। होली पर्व को लेकर पचम्मा थाना में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली पर्व को सद्भावना के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। होली पर्व सद्भावना के साथ संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर पुलिस लोगों से शांतिपूर्वक होली मनाने की भी अपील कर रही है। गुरुवार को पचम्मा थाना में भी DSP संतोष मिश्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों को आपसी भाईचारे के साथ होली खेलने की बात कही गई और होली के दिन किसी को जबरन रंग नहीं लगाने की बात भी कही गई। बैठक में पचम्मा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने कहा कि सभी लोग होली पर्व सद्भावनापूर्ण मनाएं। होली पर्व के दौरान किसी प्रकार का हुड़दंग और माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बैठक में मुखिया ठाकुर दास, निर्मल वर्मा, अनिल गुप्ता, अजय कुमार, प्रेमा तिवारी, अजय कुमार विजेता आदि लोग उपस्थित थे। जिसके लिए मैं पुनः अपने तरफ से सभी पचम्मा वासियों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो होली पर्व है ये इसमें भाईचारा और शांति का माहौल आप लोग कायम करेंगे और एक अच्छे संदेश देंगे ताकि हम लोगों को लगे नहीं पचम्बा वासियों ने जो पूर्व में अच्छा जो काम किया है उसका प्रतिफल आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। नगर निगम में गुरुवार को विवाह भवन का टेंडर संपन्न हुआ। इस टेंडर में सर्वाधिक बोली लगाकर प्रदीप कुमार ने 3 साल के लिए विवाह भवन अपने नाम कर लिया। नगर निगम में गुरुवार को विवाह भवन का टेंडर संपन्न हुआ। इस टेंडर में 12 लोगों ने निविदा भरा, जिसमें 5 लोगों का निविदा रद्द किया गया, 7 लोगों ने बोली लगाई। इस टेंडर में सर्वाधिक 22,52,000 की बोली लगाकर प्रदीप कुमार ने 3 साल के लिए विवाह भवन अपने नाम कर लिया। द्वितीय स्थान पर अरविंद कुमार रहे। बोली लगाने वालों में सुमित रंजन, मनोज गुप्ता, सुमित लाल चौरसिया, रंजीत कुमार राय व
अशोक राय शामिल थे। अनिल कुमार सिंह राज विवाह भवन का टेंडर हुआ है, जिसमें 12 डाकवक्ता ने टेंडर भरा था। 5 डाकवक्ता का टेंडर इस कारण से जो भी उनको कर दिया गया, उनके द्वारा जो सुरक्षित जमा किया गया था वो ड्राफ्ट उन्होंने स्वयं नहीं बनाया था, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बना के डाला था। क्योंकि एग्रीमेंट जो इकरारनामा है वो डाकवक्ता और निगम के बीच होना था, इसीलिए वो सुरक्षित जमा कभी भी दूसरे के द्वारा निकाला जा सकता था, तो नियम संगत नहीं था, इसीलिए 5 व्यक्ति को जो भी माना गया। शेष 7 व्यक्ति ने जो है टेंडर में भाग लिया और 22,52,000 में टेंडर फाइनल हुआ। प्रदीप कुमार नाम के किसी व्यक्ति को टेंडर जो है रख हुआ है कि सबसे अधिक डाक बोली उन्हीं के द्वारा बोला गया। स्कॉलर बी एड कॉलेज में गुरुवार को कोरोना वायरस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विभिन्न चिकित्सकों ने कोरोना वायरस से बचाव के सुझाव के तरीके और जानकारी दी। स्कॉलर बीएड कॉलेज में गुरुवार को कोरोना वायरस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर अपेक्षा पाठक, डॉक्टर अमित गौन, डॉक्टर सुनीता प्राचार्य, डॉक्टर आनंद मोय, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शालिनी ख्वाला और हरदीप कौर ने कोरोना वायरस से बचाव पर जानकारी दी। मंच संचालन प्रवीण मिश्रा और अर्पणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपरोक्त लोगों के अलावा व्याख्याता संतोष कुमार, चौधरी सुधांशु शेखर जमयार, सदानंद देव, रवि, राजेंद्र प्रसाद आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। फुल ऑथेंटिक कुछ भी न्यूज़ हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, फिर भी
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोग बस इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा थ्रेट हो गया है सबके लिए कि आज सुबह मेरे से एक जोक शेयर किया गया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल बैंक में अचानक मास्क लगाकर दो लोग घुस गए, हड़कंप मच गया कि कोरोना वायरस के मरीज आ गए, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो डकैत है तब जाकर सभी को राहत मिली। आप लोग सब बोर हो जाएंगे एक ही चीज बार बार एक ही वायरस के बारे में सुन सुन के। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मेबी आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अबाउट द नॉवल कोविड-19। व्हाई इज इट कॉल्ड द नॉवल? नॉवल, द वर्ड नॉवल का मतलब होता है न्यू, सो इट्स अ न्यू वायरस व्हिच इज बेसिकली इट्स अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस व्हिच इज इन्फेक्टिंग द ह्यूमंस दीस डेज। म्यूटेंट स्ट्रेन, ये कोरोना वायरस हैज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बैट्स, कैमल्स एंड अदर कैटल्स, बट इस वायरस की खास बात ये है कि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर रही है बहुत बुरी तरह, और इसकी म्यूटेंट फॉर्म में इन्फेक्ट कर रही है, मतलब इसकी जीन की कोई म्यूटेशन हो गई है इन एनिमल्स के अंदर एंड दे आर नाउ इन्फेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग्स। सो दैट इज व्हाट कॉजिंग द पैनिक इन द होल वर्ल्ड। वेरी सून WHO इज गोना अनाउंस इट टू बी पैन एंडेमिक, जो कि अभी सो फार हुआ नहीं है बिकॉज नॉट मेनी कंट्रीज हैज बीन अफेक्टेड, बट या। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने झारखंड में विकास होने के संकेत दिए हैं। इन नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार रात को झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने झारखंड में विकास होने का संकेत दिया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा विभाग में सुधार के लिए वे गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर हैं। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड के विकास को लेकर प्रयासरत है, कुछ माह के बाद झारखंड में विकास की फहरिस्त दिखने लगेगी। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि झारखंड का बजट सरल और साफ सुथरा है। इस बजट में किसान, नौजवान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य अतिथि सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि बहुत दिनों के बाद राज्य में आपकी अपनी सरकार आई है, यह सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के हितों के बारे में सोच रही है। आयोजित कर आपका एक साल दिखाते हैं, उन्होंने दो मोरारजी जी को, माता रामजी गुप्त को गंगा के प्रत्येक साल एक नौजवान और हम ज्यादा से ज्यादा और हमारे कार से करवा देते हैं वो पचास गुना और हम पचास में दो गए और हम माजों के घर पहुंचा और बड़ी सरकारी अधिकारी दशा दिशा आप लोगों ने चेंज किया है, उसी दशा दिशा बनाने के लिए जो आज पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य को बिगाड़ कर रखा था उसको बनाने में हमारे हेमंत जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसका मेहनत का फायदा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हम उनको बधाई देना चाहते हैं, एक मेरे जैसे आदमी को बहुत बड़ा विभाग शिक्षा विभाग भी सोच पुणे का काम किया है और दूसरा विभाग भी है उसका नाम नहीं लगे देव। और शिक्षा विभाग जो स्थिति है हमने घूम घूम कर देख रहे हैं और हम निवेदन कर रहे हैं सभी अभिभावकगण के, सभी विद्वान साथियों को, सभी हमारे शिक्षकों को अपील कर रहे हैं हेमंत सरकार को और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए आप लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। सरकार की ओर से आप लोग कल ही देखें कि जितना अच्छा शिक्षा के पर बजट लाए हैं हमारा आदरणीय हेमंत जी, कभी झारखंड में ऐसा बजट नहीं आया था।
तो साथियों, 47वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में मौसम की इस बेरुखी और मार के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही और समर्थक जिस चट्टान की तरह अड़ी खड़े होकर दिशम गुरु शिव शरण को यह बता रहे हैं कि गुरु जी हम आपके पीछे हैं। गिरिडीह का यह झंडा मैदान 4 मार्च को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह बल दे रहा है कि हेमंत बाबू, झारखंड के मूल वासियों की भावनाओं का आप सम्मान करें, गिरिडीह का जर्रा जर्रा और गिरिडीह का बच्चा बच्चा आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप आज चल कर आए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यह लगा कि दिशम गुरु शिव सोरेन के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 2 महीनों में झारखंडियों के लिए जिन कामों को कर रही है उन कामों पर गिरिडीह की जनता ने आज मुहर लगाई है। कल ही बजट सत्र हुआ और कल के बजट सत्र में यह दिखा कि हेमंत सरकार की का रुख ऊंचे मकानों के बजाय झोपड़ी और किसानों की तरफ गया और आज आपकी उपस्थिति यह बात द्योतक है कि आप इस बात को सराहते हैं कि हेमंत बाबू जब जिन लीक पकड़ी है वो लीक झारखंडियों की मूल भावना के सम्मान की है, झारखंडियों के हित की है। चुनाव में जो आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और आपने देखा कि तली जो बजट पेश हुआ है विधानसभा में कितनी सहूलियतें उसमें दी गई हैं, कितने आने वाले दिनों में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और विशेष करके शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है इसकी चर्चा उन्होंने की है। और लोग कह रहे हैं कि इतना सरल और साफ सुथरा बजट पिछले कई एक सालों में झारखंड में नहीं आया है। मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ जो आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया है, झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के आह्वान पर बुलाया गया मधुबन बंद पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के आह्वान पर बुलाया गया मधुबन बंद पूरी तरह से सफल रहा। मधुबन में लगभग सारी दुकानें बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि सरकार के द्वारा तय दैनिक वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मधुबन में पिछले सरकार तो जन विरोधी नीति के तहत मधुबन के मजदूरों पर शोषण कर रही थी, लेकिन नई सरकार भी इस पर पहल नहीं कर रही है, यह चिंता की बात है। वही यूनियन के अध्यक्ष बसंत कर्मकार, सचिव मनोज महतो, सह सचिव जयनंदन महतो, उपाध्यक्ष उदयेश्वर सिंह, कोषाध्यक्ष के अलावा सदस्य वैद्यनाथ दांगी, सोहन महतो, गंधारी सिंह, मनोज सिंह, चरण महतो, भानी राय आदि ने कहा कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अपने गलत कर्मचारी को वापस काम पर रखना होगा, जिंदाबाद। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, बर्खास्त कर्मचारियों को काम पर वापस लेना होगा। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन जिंदाबाद। 5 महीने से यहाँ के जो प्रबंधन है, जो समिति है,
वो एक तरह से मजदूर विरोधी नीतियों के तहत काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार तो कर ही रही थी, साथ साथ अभी की जो सरकार है वह भी साथ नहीं दे रही है। कारण इसके पीछे क्या है वो सरकार जाने, लेकिन जो सरकार कह रही है कि मजदूरों के साथ है वही सरकार इससे पीछे हट रही है। तो निश्चित तौर पर हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि 20-25 हजार जो परिवार है, मजदूर के परिवार है, उनका रिश्ता मधुबन से, उनका इस जगह से, क्षेत्रों से रहा है, और सरकार, नई सरकार आने के बाद उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रबंधन समिति के साथ साथ हम सरकार को भी घेरना चाहेंगे आज के बंदी से, और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं कि यदि जल्द इस पर सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर होली से पहले, आज तो हम धन्यवाद देते सभी मधुबन वासियों को, सभी दुकानदारों को कि आपने साथ दिया, कल होके होली से पहले एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे। इसके लिए पूरा का पूरा जो है हम सरकार को दोषी मानेंगे और यहाँ के जो प्रबंधन समिति है उसको दोषी मानेंगे। मैं झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के द्वारा एक दिवसीय जो बंदी का आयोजन किया गया है, इसका मूल मकसद है कि यहाँ पर तमाम संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों को जो 24 अक्टूबर 2019 से झारखंड सरकार की नोटिफिकेशन है उसके आधार से सेवा अवधि के आधार पर मजदूरों को जो प्रतिशत की राशि मिलना चाहिए वो यहाँ के किसी भी संस्था में लागू नहीं किया गया है। सरकार, हम लोग यूनियन की ओर से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूरों को गलत ढंग से संस्था ने निकालने की काम किया है उसको, जो वेतन इतना दिन के बकाया है उसको देते हुए काम पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और जो मजदूरों के पूर्व से सुविधा मिल रहा था उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक ये मांगे प्रबंधन की ओर से मान नहीं लिया जाता है तब तक यूनियन की ओर से चरणबद्ध आंदोलन मधुबन में चलाने के लिए यूनियन ने अपना तय किया है, और आगे भी आंदोलन हम लोगों की जारी रहेगा। यहाँ मधुबन में लगभग 32 संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ के सभी ट्रस्टी लोग मजदूरों का शोषण अत्याचार करने के लिए, मजदूरों का हक को छीनने के लिए सारे ट्रस्ट मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किए हैं, जिन्होंने यहाँ के मजदूरों के हक दिलाने के लिए जो यूनियन यहाँ बनी हुई है उसको ऊपर अनेक तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जिससे कि मजदूर यहाँ खंडित हो जाए, मजदूरों का मनोबल गिरे, और मजदूर जो लंबे संघर्ष आंदोलन करके अपने हक अधिकार लिए हैं उसे छीनने की प्रयास किया जा रहा है। तमाम मजदूर को जो मिलना चाहिए, जो सरकार द्वारा बढ़ोतरी आया है, आज तक कोई मधुबन में लागू नहीं हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पे इतना 3-4 महीने से जो आंदोलन पर बैठा हुआ है मजदूर, हम लोग आशा करते हैं कि होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे मधुबन आने के समय में पूरा मधुबन बंद करने का हम लोग घोषणा भी करेंगे। बेगमबाग थाना परिसर में होली पर्व के मद्देनजर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में होली पर्व को शांति पूर्वक व मिलजुल कर मनाने का निर्णय लिया गया। बेगमबाग थाना परिसर में होली पर्व को शांति व सौहार्द पूर्व संपन्न कराने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने की। बैठक में होली पर्व शांति पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया और शराबियों व हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई। बैठक में रंगों के त्यौहार को सभी लोगों को आपस में शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर मनाने की बात कही गई। मौके पर प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, बीडीओ कुमार अभिषेक सिंह, सीओ संजय सिंह, थाना प्रभारी प्रशांत कुमार समेत विभिन्न पंचायत से आए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कम से कम उनके साथ में होली हम सबको सब घर ज्यादा बनाता है, हर बिवारी जमीन में ज्यादा गढ़ा पड़ता है। बोलिए, हाँ बोलिए। केमिकल मिला के दारू बनाया जाता है, चाहे वो बन रहा है किसी प्रकार का दारू, तो उसको हम कुछ बेच के वहाँ उसका कार्रवाई करते हैं। मान लीजिए कोई नए कपड़े पहन के जा रहा है, ये रविवार को है, ये क्या बोलते हैं, यहाँ सोमवार को मेला है, यहाँ पर ओझारी बहुत सारे लोग हैं कि मंगलवार को निकलेंगे, वापस आएंगे तो बहुत तरह का मैंने रंग है, कीचड़ है, डाल देने से थोड़ा सा इस पर भी आप लोग को विशेष ध्यान देना है।
ताकि हमको याद है एक बार इस फेर में खरड़िया चौक पर हम भी पड़ गए थे, बहुत सुता थे हम गए थे मामा घर, हम आए नया नया कपड़ा पहन के खरड़िया में, हो गया झगड़ा भी हो गया लास्ट में। तो ऐसा थोड़ा सा विशेष ध्यान इस पर भी होना चाहिए। और आज बेंगावासे थाना में सभी धर्मों के साथ में किसान प्रतिनिधियों के साथ में छात्र समिति का बैठक किया गया और बैठक में सब बुद्धिजीवी लोग से प्रतिनिधि लोग से सुझाव दिया गया, जिसमें कुछ उनके द्वारा जो भी समस्या कुछ बताया गया उन समस्या का समाधान किया जाएगा। पहला समस्या बेंगावास चौक को बताया गया कि काफ़ी जाम की स्थिति रहती है और वहाँ हम लोग चूँकि का सैटरडे को वहाँ मेला लगता है और कभी भी होती है तो वहाँ कोर्स की व्यवस्था हम कर देंगे। और हर जनप्रतिनिधि द्वारा होली के त्यौहार को सुहागपूर्ण माता में मनाने का संकल्प लिया गया है। हम लोग विधि व्यवस्था के लिए कोर्ट बाहर से हम लोग मनवाए हैं और पूरा मुस्तैदी के साथ में पांडेडे स्थित प्रकाश पंत स्कूल में शिक्षकों व स्कूल के छात्रों के बीच एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी गई। पांडेडे स्थित प्रकाश पंत पब्लिक स्कूल में शिक्षकों एवं स्कूल के छात्रों के बीच एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में निदेशक श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी। इस बीमारी के लक्षणों को विस्तार से बताया गया। बच्चे एवं शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के खाना खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोए, सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। होली के मौके पर रंग गुलाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, साथ ही छुट्टी के मौके पर घर से बाहर घूमने की योजना ना बनाएं और सर्दी खांसी होने पर चिकित्सक से तुरंत मिले। कार्यक्रम को सफल बनाने में परमजीत कौर, संजय सिन्हा, ज्योतिष सुरभि कुमारी, पूर्णिमा महतो, ज्योति सिन्हा, अनिकेत घोष, सुनीता इत्यादि की सराहनीय भूमिका रही। प्रकाश पंत पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसा गिरिडीह में बच्चों का और ये हमारे विद्यालय के शिक्षकों के बीच एक बैठक हम लोगों ने आज बुलाया था और इस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे भारत में भी कोरोना आ चुका है और ये अब झारखंड में भी अपनी दस्तक दे चुका है। तो हम सभी बच्चों को और साथ साथ अभिभावकों को भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये कोरोना है इससे हमें डरना नहीं है बल्कि हमें इसका मुकाबला करना है। और इसमें बच्चों को खास करके ये बताना है कि हमें बाज़ार की वैसी चीज़ों को कभी भूल करके भी नहीं खाना है और हाथों की सफाई जब भी हम भोजन करेंगे तो साबुन से करके ही करना है। और इसके साथ साथ हमें मीट है या मछली है या जो पोल्ट्री फार्म के जो मुर्गे हैं उसे हमें नहीं खाना है। और इसमें विशेष रूप से अगर किसी बच्चों में सर दर्द की शिकायत हो या मांसपेशियों में खिंचाव हो या बच्चों में विशेष रूप से अगर जैसे बुखार आता हो या सर्दी खांसी हो तो ऐसी स्थिति में अपने नज़दीकी चिकित्सक से वो संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द इसको वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही घातक बीमारी है बल्कि दुनिया के लिए हम कहेंगे। और विशेष रूप से हमने शिक्षकों को यही निवेदन किया कि सारे बच्चों को और बच्चे फिर अपने घर में अभिभावकों को विशेष रूप से इसकी जानकारी देंगे और खास करके मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।